हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आप लोग पहली बार मेरा ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की जो आपके आरबीएससी के एग्जाम में चैप्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे, उनकी समझी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ में, और ग्रामर पोर्शन भी करने वाली हूँ। ग्रामर में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि एडवर्टीजमेंट कैसे लिखी जाती है, नोटिस क्या होता है, और भी जिस अलग तरह के जो लेटर्स होते हैं ऑफिशियल लेटर अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिजनेस लेटर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, आप ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो हम एक एक करके पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। भी मैं आपको भी पता है सिलेबस क्या है और मुझे भी पता है, तो उसको लंबा चौड़ा वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहती। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स में, और बिजनेस लेटर से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा एक बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है। वैसे मैं आपको इस पे भी एक बार बता देती हूँ, और आपका जो स्क्रीन है उसके ऊपर पूरा जो पेपर का अंदर जो लिखा हुआ है उस तरह से भी मैं आपको पूरा एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज में है, ये तो एक्चुअली पूरा मैंने हाथ से लिखा है, उसमें आपको एक बार और जो फॉर्मेट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और एक बार अगर आप ऑफिशियल लेटर, ये जो बिजनेस लेटर है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करके आएंगे। जो आपका एग्जाम में बिजनेस लेटर मान लीजिए अगर आ जाता है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं। फिर हम सेंडर्स एड्रेस यानी जो भेजने वाला है उसका पता होता है, डेट होती है किस तारीख को वो लिखा गया। उसके बाद में अगर कोई लेटर का रेफरेंस नंबर है तो वो लिखा जाता है, डेजिग्नेशन जिसको आप संबोधित कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और उसका पद और पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। फिर सब्जेक्ट आता है, सैल्यूटेशन आता है। कई बच्चों की ये कोई क्वेरी होती है कि मैम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे सैल्यूटेशन के या बाद में लिखेंगे, तो दोनों ही सही है। फिर आप कम्युनिकेशन पार्ट देखेंगे, हेडिंग, फिर लास्ट में आप एक क्लोजिंग फ्रेज भी जरूर से लिखिएगा, जो मैं आपको लिखवा दूंगी, याद भी करवा दूंगी 3-4, कि आपको स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन जब स्टार्ट करना है तो 1-2 लाइनें कि आप कैसे स्टार्ट करें और एंडिंग कैसे करें। उसके बाद में क्लोजिंग फ्रेज होगा, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म होगा, सेंडर जो है उसका सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर, डिजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। ये पूरा डिटेल अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगी, तो नॉट टू वरी। एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग अब ज्वाइन हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली क्या है कि क्लास कभी मॉर्निंग में होती है, कभी इवनिंग में होती है, तो एक बार जिस समय आप पहली बार किसी टीचर से मिल रहे हैं तो वो आपके लिए मॉर्निंग ही है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही ये जो 1 महीने का कोर्स है इसमें उन लोगों को भी फायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लेटर से। अब देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी हम कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से हम आपको पॉइंट्स लिखने हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास लेटर आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे को उसकी शुरुआत करनी होती है। तो जैसे ये कुछ 8 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप लोग कॉपी भी कर लीजिए और उनको याद भी कर लीजिएगा, कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी कोई भी लेटर को स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लेटर आया है कि आपको कोई शिकायत करनी है कोई चीज़ की, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, लाइट चली जाती है बारी बारी, या किसी भी और तरह की कोई भी अगर समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी नगर निगम में कोई शिकायत कर रहे हैं या किसी भी तरह की कोई भी शिकायत कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बहुत तेज बजते हैं आपके एरिया में, उसके लिए आप कलेक्टर को कर रहे हैं या किसी को भी कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये वाला जो लाइन है ये आप बिजनेस लेटर में ही यूज करें, जहां भी कंप्लेन करनी हो वहां आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, कि मैं शिकायत करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। या फिर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विथ, ये भी आप लिख सकते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ उसके बारे में, जो भी आपकी समस्या है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपको मान लीजिए ये लाइन आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरी निराशा का कारण ये है या मेरी असंतुष्टि का कारण ये है, उसके बाद अपनी आप समस्या बता सकते हैं। द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट, कि मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करने के लिए आपको लिख रहा हूँ और ये मेरी समस्या है, फिर आप उसको बाद में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई लेटर आया है और उसके जवाब में आपको कुछ देना, मान लीजिए बैंक से लेटर आ रहा है और आप ये बताना चाहते हैं कि आपका जो लेटर मेरे मुझे प्राप्त हुआ है, रेफरेंस नंबर इतना इतना इतनी तारीख को, उसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, उस लेटर का नंबर यहाँ आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और फिर आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ के लिए किसी
से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा कर दें तो आई शेल बी मच ऑब्लाइज इफ यू विल सेंड मी। अगर मान लीजिए कहीं से आपको लाइब्रेरी से या किसी भी जगह से बुक्स मंगानी है, कोई सामान मंगाना है या कोई भी आपका ऑर्डर है उसको आप चाहते हैं कि वो टाइम पे पहुंचे, तो उसके लिए आप ये लाइन यूज कर सकते हैं कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा कि आप मुझे ये चीजें उपलब्ध करा दें। या आप मान लीजिए किसी और कोई आपने किसी को कुछ भेजा है और आप चाहते हैं कि वो ऑर्डर आपको मिल जाए, वो टेंडर आपको मिल जाए, तो आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मुझे हमारे फर्म को या हमें इस लायक समझे और हमें ये काम मिल जाए तो आई शैल बी मच ऑब्लाइज इफ यू विल सेंड मी। और आगे पूरा डिटेल्स, द डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट और ये सब आप लिख सकते हैं। वी विश टू बाय, अगर मान लीजिए आपको कहीं से कुछ खरीदना हो, तो जैसे मान लीजिए आपको टाइल्स खरीदनी है कहीं से, तो उस फर्म को आप लिखना चाहते हैं कि हमारे को इतनी टाइल्स चाहिए या कोई मटेरियल आपको चाहिए, तो वी विश टू बाय योर द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय यू, ऐसे करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई आप अपनी तरफ से, मान लीजिए आपने कोई फूड का काम स्टार्ट किया है और आप होम टू होम डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं फूड की, और लोगों तक आप उसकी सूचना देना चाहते हैं कि सपोज मान लीजिए एक बाबा फूड्स करके आपने एक आपकी फर्म है और उसका जो खाना है वो आप पूरे अपने एरिया में पहुंचाना चाहते हैं और उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं और हमारे यहाँ बहुत साफ़ सफाई से खाना बनाया जाता है और बिल्कुल घर के जैसा खाना बनाया जाता है, तो आप लोग हमारी सर्विसेज को एक बार लेके देखें या एक बार आप यू मस्ट ट्राई वंस। तो इस तरह अगर आपको लिखना है तो आप बताना चाहेंगे कि यू विल बी प्लीज टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके एरिया में हमने अभी एक ये बाबा फूड्स करके एक नया खाने का सप्लाई स्टार्ट किया है जिसमें कि आपको एकदम घर जैसा खाना मिलेगा। तो नेक्स्ट, दिस इज टू, अगर मान लीजिए कोई रेफरेंस नंबर के साथ आप कोई रिप्लाई कर रहे हैं, आपके पास पहले से कोई इनकम टैक्स से आपके पास कोई मान लीजिए कोई लेटर आया हुआ है उसका आप जवाब दे रहे हैं, या कहीं से भी कोई एक लेटर आया, मान लीजिए आपने कहीं से लोन ले रखा है वहां से आपके पास लेटर आता है, या किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया हो और उन लोगों ने आपको ऑर्डर दिया हो या कैंसिल कर दिया हो, जो भी हो उसका जब आप जवाब दें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द दैनिक भास्कर डेटेड दिस दिस। मान लीजिए अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट दिया है अखबार में उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने ये एडवर्टीजमेंट दिया था कि आपको 50 वर्कर्स की ज़रूरत है या आप ये काम के लिए आपको किसी सप्लायर्स की ज़रूरत है, इतनी तारीख को था, ये इसका टॉपिक था, तो मैं उसके बारे में कुछ अपना सजेशन देना चाहता हूँ या आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके आप उसको आगे स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज सेंड द फॉलोइंग बुक्स थ्रू VPP, ये आप मान लीजिए कोई किताबें मंगा रहे हैं कहीं से और उसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्टली आप असिस्टेंट कर सकते हैं कि VPP के द्वारा मुझे किताबें उपलब्ध करा दी जाए। तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स वो भी बता देती हूँ जो हम कम्युनिकेशन को जब स्टॉप करेंगे तो एंड के टाइम पे हम कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारा जो लेटर है और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, अगले को महसूस हो कि हाँ हमें इनके साथ काम करके हमें रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोटो ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहें, उसके बाद मैं नेक्स्ट भी लिख देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले हमने बात करी कम्युनिकेशन में हमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं चाहिए, देखने चाहिए, अब हम आप देखिए एंडिंग में हमारे को कौन कौन से पॉइंट्स जो है उनकी तरफ ध्यान देना है। ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली और मैं इसको क्लियर कर देती हूँ अब, ठीक है। तो जैसे अब आप एंड कर रहे हैं कोई लेटर का तो आपको 5 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं आप इनको भी याद कर सकते हैं, इससे आप अपने लेटर को समाप्त कर सकते हैं। जैसे वी एंटिसिपेट इन अर्ली रिस्पॉन्स, यानी हम आपसे जल्दी उत्तर की अपेक्षा करते हैं। आर वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू, आपके पत्र का हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आपका हमें पत्र प्राप्त होगा, रिप्लाई प्राप्त होगा। ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, हम आपको सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आपसे जवाब के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, हम आपको उसका इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आपसे जल्दी जो रिस्पॉन्स है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग काम करने के लिए आपके लिए आपके साथ तैयार हैं और आपका जवाब है उसका इंतजार कर रहे हैं। एंड अर्ली रिप्लाई वुड बी एंटिसिपेटेड, कि आपसे जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे को जल्दी ही इसका जवाब दे देंगे, इसकी हमें उम्मीद है। फिर बाद में आता है क्लोजिंग फ्रेज, जब आप क्लोजिंग फ्रेज जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने ओपनिंग कैसे करी है, उसी के हिसाब से आपको उसकी क्लोजिंग करनी पर है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे अगर हमने डियर सर या डियर मैडम से अगर हमने उसकी स्टार्टिंग करी है, ओपनिंग करी है, तो हम योर्स फेथफुली लिखेंगे।
और अगर हमने डियर मिस्टर सुरेश इस तरह से अगर आप किसी को पर्टिकुलरली नाम से किसी को जानते हैं और आपको आप उनसे पहले मिले हुए हैं तो आप उसमें योर सिंसियरली एंड में लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं और सिंसियरली भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। और कल हम दूसरे एक नए लेटर के साथ, ऑफिशियल लेटर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और अब आप एक बार पूरा डिटेल में पूरा का पूरा स्टडी करिए, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दोबारा से एक बार समझा देती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग और बिजनेस लेटर्स जो हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बारीकियाँ बताने वाली हूँ। तो जो लेटर होता है वो एक भाव अभिव्यक्ति जो होती है, एक्सप्रेशन होता है, उसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। और एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर हम कोई भी लेटर लिखते हैं, बिज़नेस लेटर मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ, तो उसी को ही आप एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे को जो उद्देश्य है उस पत्र को लिखने का वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम ये जो लेटर है हम वो किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि जब भी हम पत्र लिखते हैं और वो बिज़नेस लेटर अगर है तो उसमें हमें बहुत बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, हमने उसमें छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और भाषा जो है वो हमेशा सरल और इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि हम अपने कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कह सकें और अगला जो है वो उसको समझ जाए। तो उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये हो गया, पहला क्या था कि उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, दूसरा छोटे वाक्य लिखने चाहिए और सरल लिखने चाहिए ताकि बात एकदम तुरंत समझ में आ जाए और हम अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कम शब्दों में कर सकें। थर्ड जो है वो जो पैराग्राफ्स बनाएं उनको बिल्कुल दो तीन पैराग्राफ बना लें चाहे, लेकिन हर एक पैराग्राफ का जो बिंदु है वो स्पष्ट व्यक्त होना चाहिए। ज़्यादा बहुत सारे पैराग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती लेटर में, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके और वो ज़रूरी पॉइंट्स हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। तो वैसे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और पोलाइट भाषा में लिखे होने चाहिए, चाहे आप कोई शिकायत ही क्यों ना कर रहे हों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी की शिकायत के लिए भी अगर कोई पत्र लिखते हैं, शिकायत में जैसे मान लीजिए कोई सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, कहीं पे बारी बारी बिजली कटौती होती है, या कोई भी अगर आपकी शिकायत है उसको भी आप लिख रहे हैं, तो उसको एकदम ना फॉर्मल तरीके से इस तरह से लिखना चाहिए कि आप अपनी बात भी कह दें और अगले व्यक्ति को बुरा भी ना लगे। थर्ड उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका ये है कि कभी भी पत्र लिखते समय आपको इमोशनल नहीं होना और यू डिडेंट इस तरह के शब्दों का यूज़ नहीं करना कि भाई आपने ऐसा नहीं किया या आप ऐसा नहीं कर रहे या आपकी वजह से। तो मतलब हमें किसी को ब्लेम करने के हिसाब से वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता। और जहाँ तक हो सके सबसे चीज़ जो एक और लास्ट और इम्पॉर्टेंट और फाइनल चीज़ है वो ये कि आपकी जो लिखने का जो तरीका है उसको आपको साफ़ सुथरा वो होना चाहिए। राइटिंग देखिए सबकी डिफरेंट होती है, उसमें आप चेंज नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि जो लिखें वो एकदम स्पष्ट हो, साफ़ सुथरा हो। तो जैसा कि प्रारूप आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि पॉइंट्स जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात, जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो ऊपर ही ऊपर लेफ्ट और राइट साइड में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसी को पूरे स्क्रीन पे एक बार मैं इसी में समझा देती हूँ आपको कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी कि जो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका आप इसमें, यानी पत्र जो भेजने वाला है उसका पता यहाँ पे लिखा जाता है और वो भी पूरा पता लिखा जाएगा उसमें, चाहे आपका अगर फ़ोन नंबर हो तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। कोई आजकल मेल का प्रचलन है तो अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो भी आप उसमें इधर बाईं तरफ लिखा जा सकता है। और उसके बाद में जैसे कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, पंक्चुएशन में जैसे कॉमा है और आदि और इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको, फुल स्टॉप वगैरह का, आजकल ये सब प्रचलन में से हट गया है। तो आपको सीधा सीधा अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद में सेकंड नंबर, तो फर्स्ट आप पॉइंट देखिए कि पहला नंबर क्या था हमारा, सेंडर्स एड्रेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपका है डेट,
यानी कि आपको वहाँ पे तारीख लिखनी होती है कि जो भी तारीख में आप वो पत्र लिख रहे हैं उसकी आप डेट जो है वो एकदम क्लियर होगी। और डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट मतलब एक तरीका है, जैसे कि मान लीजिए आज ही का हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो आज 29 तारीख है और 29 मई है तो हम लिखेंगे 29 May एंड 2021 यानी 29 मई 2021। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए आप बिज़नेस लेटर लिख रहे हैं और आप किसी भी पत्र का जवाब लिख रहे हैं और आपके पास पहले कोई लेटर आया हुआ है तो उसको आप रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, लेटर का नंबर लिख सकते हैं अगर कोई हो तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप थर्ड नंबर पे वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़िए अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं है तो। उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डेजिग्नेशन का होता है कि मतलब जिससे पत्र लिखा जा रहा है उस व्यापारिक प्रतिष्ठान के अधिकारी का पद या फिर मान लीजिए जो भी वो पोस्ट पर हो अधिकारी उसका पूरा का पूरा पद लिखा जाएगा। किसी फर्म को लिख रहे हैं तो उसमें जैसे बहुत सारे अगर लोग हैं फर्म में, पार्टनरशिप में फॉर्म है तो मेसर्स लिखा जाता है और अगर नहीं तो M/S आप लिख के उसको संबोधित मतलब जो कंप्लीट एड्रेस है रेसिपेंट का वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं डेजिग्नेशन में। उसके बाद में आप लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय की वो जो पत्र है वो आप किस विषय में लिखने जा रहे हैं, ये बहुत मुख्य बिंदु है। पत्र हम किस लिख रहे हैं, अपनी कोई बात कहने के लिए और उस बात के लिए कोई ना कोई मुद्दा कोई ना कोई वजह होती है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो विषय है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए कि एक बार पढ़ते ही अब व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये किस बारे में है। और दूसरी एक और चीज़ आजकल कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, वो ये पूछते हैं कि मैम सैल्यूटेशन के बाद भी लिखा जा सकता है सब्जेक्ट या पहले लिखा जाता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, सैल्यूटेशन के बाद भी लिखा जा सकता है और पहले भी लिखा जा सकता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, जो आप ये इसके बाद में मैंने जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में सैल्यूटेशन लिखा हुआ है कि आप किसको संबोधित कर रहे हैं, वो पत्र जो है वो किस अधिकारी को वो पत्र लिखा जा रहा है। अगर वो पुरुष है तो आप डियर सर लिख सकते हैं, अगर वो महिला हैं तो आप डियर मैडम लिख सकते हैं, और यदि वो पत्र किसी सीधा किसी फर्म के नाम जा रहा है तो वहाँ पे अगर मैंने वही बताया आपको कि अगर उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं या बहुत सारे उसके मेंबर हैं तो फिर आप डियर सर्स या जेंटलमैन भी लिख सकते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन में। उसके बाद में आगे आ जाता है आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होता है उसका मतलब है संप्रेषण, यानी कि यह पत्र जो पे आप लिख रहे हैं उसका मुख्य और केंद्रीय भाग होता है। आपको लगभग एक या दो पैराग्राफ में इसमें पूरी की बात जो है आपकी वो लिख देनी चाहिए। कम्युनिकेशन लिखते समय आपको कोई भूमिका नहीं बनानी, आप डायरेक्ट टू द पॉइंट, लैंग्वेज आपकी जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए ताकि आप कम शब्दों में अपनी कंप्लीट बात को कह सकें और इम्प्रेसिव वो तरीका हो। तो कम्युनिकेशन लिखते टाइम आपको किसी भी तरह की कोई भी भूमिका वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो विषय है जो विषय पर आपको लिखना है उसको सीधा आप लिखना प्रारंभ कर दें। और अगर उस किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो जिसके बारे में कोई आपके पास फैक्ट्स हों या डाटा हो, यानी मतलब अगर कोई तथ्य और आंकड़े भी आपके पास हों तो वो भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं और आगे अपने लेटर को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में एक होता है एंडिंग, एंडिंग का मतलब यह है कि जो आप पत्र लिख रहे हैं उसमें कुछ मैं आपको एंड में लिखने वाले कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी कि अगर किस तरह का लेटर होगा तो उसमें आप जैसे एंड जो करते हैं पत्र का वो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पत्र लिखा है आपने और उसका आपको फिर आप रिस्पॉन्स की इंतज़ार कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी एंटिसिपेट एन अर्ली रिस्पॉन्स, या फिर लिख सकते हैं आप और मान लीजिए आप किसी सेवा के लिए लिख रहे हैं, अपनी कोई सेवाएं देना चाह रहे हैं कोई कंपनी में या किसी जगह, तो ऑलवेज़ रेडी टू सर्व यू लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने किसी टेंडर में अप्लाई किया है या किसी काम के लिए आपने कोई पत्र लिखा है तो आप उसमें लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप जैसे मान लीजिए कि किसी से जल्दी जवाब प्राप्त करना चाहते हैं जो भी आपने मैटर लिखा है उसके बारे में, तो फिर आप अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, इस तरह से भी आप उस लेटर को एंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से एंडिंग मैंने आपको बताई उसी तरह से जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी लेटर को तो उसमें हमें स्टार्टिंग में भी मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बता दूंगी जो हम कम्युनिकेशन के टाइम पर
जो ये वाला जो पार्ट है कम्युनिकेशन वाला, इसमें हम लोग मेन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट जब पत्र कर रहे हैं तो किस बारे में वो पत्र है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कुछ, मैं आपको 6-7 लाइन्स याद करवा दूँगी, तो कि इस तरह का अगर पत्र आए तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करें। जैसे आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट माई डिससेटिस्फैक्शन विथ, जो भी आपकी कोई भी समस्या हो, मान लीजिए सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल कंपनी को आप कहना चाहते हैं कि आपकी सर्विसेज बहुत ख़राब हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट विथ, आगे अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई पत्र मिला है जिसमें कुछ आपको बात कही गई है, तो उसके जवाब में आप लिख रहे हैं और वो आपके लिए अच्छी खबर थी जो उस लेटर में थी, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, थैंक्स फॉर योर लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, और उसके बाद में अपनी बात कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पत्र आया है जिसको आपको जवाब देना है, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास कोई लेटर आया है, तो आप, या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से आया है, आप कहीं वर्क करते हैं ऑफिस में, वहाँ से मिला है, तो आप उसको विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, इस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आपको कैसे लिखना है उसके कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको लिखवा दूंगी, और ये जो एंडिंग वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसमें भी आपको कैसे लिखना है, ये दोनों चीज़ें भी मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद में फिर जब आपका ये एंडिंग हो जाती है तो आप एक क्लोजिंग फ्रेज लिखते हैं जिसमें आप पूरी की पूरी बात लिखते हैं। जैसे कि अब आपने एंड तो कर दिया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, आपकी एंडिंग हो गई लेटर की, और उसके बाद में आप क्लोजिंग जो फ्रेज़ है वो किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि अगर आप योर्स फेथफुली का भी यूज़ कर सकते हैं और योर्स सिंसियरली का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ओपनिंग में और क्लोजिंग में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने मान लीजिए ओपनिंग डियर सर या डियर मैडम से करी है, तो आप जो इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग फ्रेज है यहाँ पे, तो इसमें आप योर्स फेथफुली लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप नाम से जानते हैं और उसको आप संबोधित कर रहे हैं, जैसे डियर मिस्टर राजेश, तो फिर आप, इसका मतलब आप थोड़ा उनसे ज़्यादा करीब हैं, तो आप फेथफुली की जगह सिंसियरली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, फेथफुली और सिंसियरली। उसके बाद में उसके नीचे नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, आपकी जो फर्म है उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद में जो फर्म के बाद में आप उसमें अपना साइन करेंगे, यहाँ पर नीचे सिग्नेचर आएगा आपका। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ये वाला पॉइंट्स जो हैं एंडिंग वाले दिख नहीं रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये जैसे अब यहाँ पे आपको एकदम साफ दिख रहा होगा। तो पहले मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन हो गई हमारी, फिर हमने एंडिंग फ्रेज भी डाल दिया, फिर हम क्लोजिंग फ्रेज, एंडिंग का मतलब होता है कि हम उसको कैसे पत्र को जो एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और क्लोजिंग फ्रेज का मतलब होता है कि अब हम लास्ट में जो संबोधन करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम करते हैं सैल्यूटेशन करते हैं जैसे डियर सर मैम, तो उसका एंड में फिर हम योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली करके जो क्लोजिंग फ्रेज होता है वो, या हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज भी बोलते हैं, उससे हम अपना पत्र समाप्त कर देते हैं। फिर हमारी फर्म का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द फर्म, फिर सेंडर सिग्नेचर, जो भेजने वाला उसका सिग्नेचर आ जाएगा। हाँ, सिग्नेचर के बाद में आपको जो भेज रहा है उसका नाम भी लिखना होता है, और फिर उसके बाद में लास्ट में आता है आपका डेजिग्नेशन कि आप किस पद पर वहाँ पर कार्यरत हैं। तो इस तरह से आपने डेजिग्नेशन में, जैसे मान लीजिए आप कोई सेल्स मैनेजर हैं, प्रोप्राइटर हैं, या पार्टनर हैं उस फर्म में, या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कोई भी आपका जो भी पद है, डेजिग्नेशन यानी कि आप किस पद पर कार्यरत हैं, वो आपको लास्ट में लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर है, इसके बाद में आप एक लास्ट में, मैं अभी आपको जो फॉर्मेट एक और उपलब्ध कराऊंगी, आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगी, उसमें भी लिखा हुआ होगा कि आप लास्ट में एंक्लोजर्स लिखते हैं। एंक्लोजर्स का मतलब होता है संलग्न, कि मान लीजिए आपने कोई बैंक में कुछ भेजा है कि मेरा ये चेक लौट के आ गया, इतनी तारीख को दिया था, तो मान लीजिए इस तरह की कोई बात हो, तो एंक्लोजर्स में आप लिखेंगे कि मैं उसके साथ में जो चेक था वो लगा रहा हूँ या उसकी फ़ोटो कॉपी लगा रहा हूँ। एंक्लोजर्स में मतलब जो आप उसके साथ जो भी दस्तावेज भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अटेस्टेड कॉपी है किसी चीज़ की, आपका आधार कार्ड है या कुछ भी है, तो जो भी आप एंक्लोज करना चाहते हैं, यानी उस पत्र के साथ जो भी आप भेजना चाहते हैं, वो सारा का सारा
उसमें एंक्लोजर में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स लगा के आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस लेटर में ध्यान रखनी पड़ती हैं। कुछ बच्चों की ये क्वेरीज थी कि मैम लेफ़्ट साइड में लिखें, राइट साइड में लिखें। देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मेट होता है ना लेटर का, ये धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलता रहता है। पहले हम लोग राइट साइड में सेंटर में लिखते थे, जैसे टू द प्रिंसिपल, इस तरह से हम अपना लेटर जो है एप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट करते थे। लेकिन अब टू हटा दिया है, टू को नहीं लिखते हम और सीधा ही द प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। तो कई चीज़ें नई आती रहती हैं। उसी तरह से अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं, बिजनेस लेटर के बारे में तो, या किसी भी तरह के पत्र में, तो पत्र लिखने वाले का जो पता और डेट होती है वो दाईं या बाईं दोनों तरफ में से किसी भी तरफ लिखा जा सकता है। मतलब आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप एक साइड ही लिखें ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। दायां बायां के चक्कर में आप लोग गलत कराते हैं। आप सब कुछ ही लेफ्ट साइड से लिखें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी भी रहेगा और आप पॉइंट्स भी याद कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जब आप पत्र लिख रहे हैं तो उसके अंदर टोटल आपको 14 चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। अगर आपको उसको पूरा का पूरा रिवाइज़ करना है तो आपको मैं एक बार फिर से बोल के बता देती हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स यही हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे डेट, थर्ड नंबर पे लेटर का रेफरेंस नंबर या कोई भी अगर नंबर आपका आया है जो उस पत्र पे लिखा हो, किसी भी तरह का कोई सीरियल नंबर वगैरह, तो वो। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है आपका डिजिग्नेशन, फिफ्थ किसका है डिजिग्नेशन और नाम, जो कंप्लीट एड्रेस है जिसको आप भेज रहे हैं ना, उसका लिखा जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपका लिखा जाता है क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो ये जो रिसिपेंट है यानी जो उसको रिसीव करने वाला है, यानी आप किसको वो पत्र भेज रहे हैं, उसका यहाँ पे पता आता है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में सैल्यूटेशन आएगा, यानी संबोधन आप कैसे कर रहे हैं, डियर सर, मैडम, जो आप यहाँ सैल्यूटेशन करेंगे ना उसी के हिसाब से आप यहाँ पे जो लास्ट में क्लोज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फ्रेज लिखेंगे, उसके बाद में जब एंडिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से लिखना है। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में डियर सर या डियर मैम लिखा है, तो आप जो क्लोजिंग फ्रेज है उसके अंदर योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। और अगर आप पर्सनली ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं अगले व्यक्ति को, तो आप वहाँ पर क्लोजिंग फ्रेज जो है इस जगह पर आप इस क्लोजिंग फ्रेज में आप योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन हो गया, फिर एंडिंग में आपको क्या लिखना है। तो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन में कैसे क्या लिखना होता है आपको, और जो लास्ट में आपको जब एंड कर रहे हैं तो आप किस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करना है। तो कम्युनिकेशन और एंडिंग, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इसके लिए भी मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूंगी, कुछ लाइनें बताऊंगी जो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद में फिर आपका क्लोजिंग फ्रेज हो जाएगा, नेम ऑफ द बिजनेस फर्म आ जाएगा, सेंडर्स सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर और एनक्लोजर्स, यानी यहाँ पे वो संलग्न बातें, जो भी आपने कोई भी मान लीजिए कोई मार्कशीट की कॉपी भेजी है या कोई चेक लगाया है या कुछ भी, जो भी आप कोई एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, वो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे पॉइंट करके और यहाँ पे लिखे जाते हैं, एनक्लोजर्स के अंदर आते हैं वो सब, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि अगर आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाए कि ये जो बिज़नेस लेटर है उसमें फर्स्ट जो पेज है बिज़नेस लेटर में, सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसमें सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट, लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर, जिसको अभी आप भेज रहे हैं उसका जो डेजिग्नेशन है वो, उसका नाम और उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, एंडिंग, उसके बाद में क्लोजिंग फ्रेज और नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, सेंडर्स एड्रेस, सिग्नेचर, उसका नाम और डिजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, और लास्ट में आपका एंक्लोजर्स आ जाएगा। तो आई होप ये अब एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि बिजनेस लेटर हमें कैसे लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट लेटर करेंगे। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई चीज़ क्वेरी हो इसके बारे में, बिजनेस लेटर के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी। और आपकी अगर कोई क्वेरीज हो कल तो आप क्लास में उसको पूछ सकते हैं। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये बिज़नेस लेटर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और कल जब हम अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे शाम को,
5:30 बजे, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को आप अटेंड करिएगा। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको वीडियो इसलिए शेयर किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अब 12th क्लास की आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अनीता शिक्षा चैनल पे, और आप इसको ज़रूर अटेंड करें। तो चलती हूँ और जल्दी ही हम लोग वापस मिलेंगे कल, और जितने ज़्यादा बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को मैं हेल्प कर पाऊँगी कि आप अपने नंबर जो हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँ। थैंक यू, जाती हूँ। और जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके घर परिवार में आसपास में 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले कोई भी बच्चे हों जिनको इंग्लिश पढ़नी हो, तो मेरे चैनल पे सभी क्लासेस के वीडियोस और चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कल जल्दी ही मिलते हैं।